जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। गौठान के कब्जा हटाने कार्य के दौरान सचिव पर जानलेवा हमले करने वाले आरोपी का गिरफ्तार नहीं होने से धरने पर बैठे समस्त सचिव। शक्ति जिला के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत मालखुदा के ग्राम पंचायत कुलबा में पदस्थ योगेश्वर डनसेना सचिव ग्राम पंचायत कुलबा के साथ हल्का पटवारी एवं ग्राम पटेल की उपस्थिति में बेजा कब्जा जमीन में पशु आश्रय स्थल गौठान निर्माण हेतु अतिक्रमण हटाने हेतु जमीन का नाप लिए जाने के कारण बेजा कब्जाधारी द्वारा सचिव के घर घुसकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों टिकेंद्र मणि डनसेना एवं अमृत डनसेना अन्य 15 से 20 साथियों द्वारा के साथ दिनांक 3/11/2022 की रात्रि में योगेश्वर डनसेना के घर में पहुंचकर सचिव के घर अंदर घुसकर मारपीट किया गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए सचिव संघ मालखुदा के द्वारा दिनांक 7/11/2022 तक आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु अल्टीमेटम दिया गया था। गिरफ्तारी नहीं होने से काम बंद कलम बंद कर हड़ताल किया जा रहा है। आइए पीड़ित सचिव और सचिव संघ के अध्यक्ष क्या कहते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी में प्रदेश रिपोर्टर हरधर रात्रि की खास रिपोर्ट में। जी, आपके साथ में जो घटना हुआ था 3 नवंबर के रात्रि आपके साथ मारपीट, उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, रात को 7:40 में 25-30 गुंडे मेरे घर आए, सचिव को चिल्लाए, फिर मैं घर में सो रहा था तो अंदर से घर के वाले मेरे को बोले कि कोई आए हैं करके। तो मैं बाहर आया तो टिकेन मणि नाम के आदमी ने मेरे को हाथापाई चालू कर दिया और उसके बाद जितने गैंग थे 25-30 आदमी उन लोग आए पूरा, फिर मारपीट किया और फिर भाग गए। तो यहाँ पर आप लोग पूरा सचिव संघ बैठे हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? तो जो मारपीट किए हैं जितना गैंग उसको सब गिरफ्तारी चाहिए। चलिए बात करते हैं, सचिव संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे पूरा सचिव संघ आपके द्वारा यहाँ पे सभी सचिव के द्वारा काम बंद करके यहाँ पे बैठे हैं, बताना चाहेंगे? हमने जनपद सीओ और कलेक्टर एसडीएम सभी को अवगत करा दिया है कि हमारे सचिव ग्राम पंचायत कुलवा जहाँ पर रात्रि लगभग 7:40 में बता रहे हैं योगेश्वर डनसेना के साथ मारपीट की घटना की गई है, जिसके संबंध में गिरफ्तारी है तो हमने अल्टीमेटम दिया है। 7 तारीख तक का समय था और अल्टीमेटम के बाद अभी गिरफ्तारी किसी के नहीं किए पुलिस विभाग द्वारा, उसी से क्षुब्ध होकर के आत्मसम्मान बचाने के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा।